इस कहानी की शुरुआत में हमें फिन नाम के एक जासूस को दिखाया जाता है जो एक बोट से समुद्र में आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि एक ब्रिटिश जासूस लिलियन टर्बो ने उसे खुफिया मैसेज भेजा था जिसमें उसने कहा कि मैं जिस मिशन पर आया था वहाँ के लोगों को मेरे बारे में पता चल गया है और मुझे एक बहुत ही खास चीज मिली है, इसीलिए मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ और तुम्हें इस जगह पर बहुत ही सावधानी से आना होगा। इसीलिए फिन उस लोकेशन की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ एक बहुत बड़ा शिप आ जाता है जो उस बोट से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसीलिए वो बोट वहाँ से चला जाता है, लेकिन फिन उस शिप के ऊपर लटक जाता है जिससे उस ठिकाने पर पहुँच जाता है जो कि असल में एक बहुत बड़ा ऑयल प्लेटफॉर्म होता है, जहाँ फिन देखते हैं कि प्रोफेसर जंटब एक खास तरह के कैमरे की डील कर रहा था। प्रोफेसर जंटब एक वॉन्टेड वेपन डिजाइनर और पागल साइंटिस्ट होता है। फिन लिलियन से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उनसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता। तभी वो देखता है कि प्रोफेसर ने लिलियन को मार दिया है, तभी उन्हें फिन के बारे में पता चल जाता है। इसलिए वो फिन को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन फिन बहुत ही चालाक और मॉडिफाइड होता है, इसीलिए वो सभी से बचकर वहाँ से समुद्र में निकल जाता है। ये देखकर प्रोफेसर उसे पकड़ने के लिए अपनी शिप भेजते हैं। शिप जब फिन पर अटैक करती है तो फिन मरने का नाटक करता है जिससे सभी को लगता है कि वो मर गया है, लेकिन वो बचकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं फिर हमें रेडिएटर स्प्रिंग में दिखाया जाता है कि मैक्विन चौथी बार पिस्टन कप जीतकर लौट आया था जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। मेटर मैक्विन से मिलकर बहुत खुश होता है। फिर मैक्विन उसे अपने द्वारा बनाया हुआ डॉग का म्यूजियम दिखाता है जहाँ उसने सभी पिस्टन कप रखे हुए थे, और यहाँ हमें पता चलता है कि महान रेसिंग लीजेंड डॉग हडसन ऑर्नेट अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर मैक्विन और मेटर साथ में मस्ती करने लगते हैं। शाम को मैक्विन मेटर को कहता है कि मुझे आज रात सेली के साथ डेट पर जाना है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ में नहीं घूम सकता। मेटर इससे उदास होता है लेकिन अपने दोस्त की खुशी के लिए मान जाता है। फिर दिखाया जाता है कि रात को मैक्विन सेली के साथ होटल में डिनर करने जाता है जहाँ का वेटर और कोई नहीं बल्कि मेटर ही होता है। मैक्विन उससे अपने लिए स्पेशल ड्रिंक मंगाता है। मेटर जब अंदर जाता है तो वहाँ टीवी में मेलडेनो शो शुरू हो जाता है जिसमें बताया जाता है कि ऑयल करोड़पति माइल्स एक्सेलोड दुनिया घूमने वाली पहली कार बनाने के लिए बिना जीपीएस के घूमने निकले थे, लेकिन पेट्रोल खत्म होने की वजह से वो जंगल में फंस गए। लेकिन फिर वो अपना खुद का एक प्राकृतिक ईंधन बनाकर वापस लौटे और उन्होंने अपनी सारी ऑयल फैक्ट्री बेच दी और खुद को एक इलेक्ट्रिक कार में बदल दिया, और उन्होंने एक प्राकृतिक ईंधन ओलिनोल बनाया। लेकिन दुनिया को इस पर विश्वास नहीं था, इसीलिए उन्होंने एक रेसिंग कॉम्पिटिशन का आयोजन किया जिसमें दुनिया भर के चैंपियन हिस्सा लेंगे ताकि सभी को उनके ओलिनोल पर विश्वास हो सके। फिर वो इटली के फेमस रेस कार फ्रांचेस्को बर्नुली से बात करते हैं, लेकिन फ्रांचेस्को मैक्विन का मजाक उड़ाता है क्योंकि मैक्विन अभी हाल ही में एक सीजन खेलकर आया था, इसीलिए वो इस रेस में हिस्सा नहीं ले रहा था। मेट्रो को इससे बहुत गुस्सा आता है और वो लाइव कॉल करके फ्रांचेस्को को कहता है कि मैक्विन बेस्ट रेसर है और वो तुम्हें चुटकियों में हरा सकता है। तो फ्रांचेस्को उसे कहता है कि अगर मैक्विन इतना ही फास्ट है तो आराम क्यों कर रहा है। इस बात को लेकर उनमें बहस हो जाती है और वहाँ चारों तरफ भीड़ लग जाती है। ये देखकर मैक्विन भी अंदर आ जाता है जहाँ वो देखता है कि फ्रांचेस्को मेटर को खटारा और पुरानी ट्रक कहकर बुला रहा है। मैक्विन को अपने दोस्त की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए वो फ्रांचेस्को से कहता है कि तुमने मेरे बेस्ट फ्रेंड की बेइज्जती की, इसीलिए मैं भी रेस में हिस्सा ले रहा हूँ। सभी इससे बहुत खुश होते हैं। सेली मैक्विन को कहती है कि तुम्हें इस बार मेटर को भी अपने साथ लेकर जाना चाहिए क्योंकि तुम उसे किसी भी रेस में अपने साथ लेकर नहीं गए हो। तो मैक्विन भी मान जाता है। फिर वो सभी जापान जाने के लिए निकल जाते हैं। वो जापान पहुंचकर पूरा शहर घूमते हैं और रात को ओलिनोल की पार्टी में पहुंच जाते हैं जहां मेटर उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। तो मैक्विन उसे कहता है कि रेडिएटर स्प्रिंग नहीं है, इसीलिए तुम्हें यहाँ सोच समझ कर चलना चाहिए, लेकिन मेटर उसकी बात नहीं समझता और पार्टी एंजॉय करने लग जाता है। वही हमें फिन को दिखाया जाता है जो पार्टी में उन कैमरों को चेक कर रहे थे जिसकी प्रोफेसर ने डील की थी, लेकिन वहाँ वो कैमरा नहीं होता। तभी उनके पास टोक्यो की एजेंट शिफ्टवेल आती है जो ने बताती है कि आपने जो कैमरे की फोटो भेजी थी उसके बारे में कुछ खास पता नहीं चला है। फिर उन्हें लंदन का मैसेज देती है कि आप जिस ऑयल प्लेटफॉर्म पर पहुंचे थे वो दुनिया के सबसे बड़े ऑयल भंडार के रूप में बने हैं, लेकिन किसी को इस बारे में खबर नहीं है क्योंकि वो सैटेलाइट को नकली सिग्नल भेज रहे थे। मगर एक अमेरिकन एजेंट को इस बारे में पता चल गया, इसीलिए जब उसने छानबीन की तो उस कार का फोटो लेने में कामयाब हो गया जो ये पूरा मिशन चला रहा है, और वो अमेरिकन आपको आज रात फोटो देने आने वाला है। तभी फिन देखता है कि प्रोफेसर भी वहाँ अपने आदमियों के साथ मौजूद है, इसीलिए वो शिफ्टवेल को कहता है कि अमेरिकन से तुम मिलोगी क्योंकि उन बदमाशों ने मुझे ऑयल प्लेटफॉर्म पर देख लिया था, इसीलिए अगर उन्होंने मुझे यहाँ देखा तो पूरा मिशन चौपट हो जाएगा। तो शिफ्टवेल उन्हें कहती है कि मैं टेक्निकल काम करती हूँ और मैं कोई जासूस नहीं हूँ। तो फिन उसे कहता है कि आज से तुम जासूस हो। वही हमें मेट्रो को दिखाया जाता है
है जो एक डिश को आइसक्रीम समझकर खा लेता है, जिससे उसे मिर्ची लग जाती है और वो स्टेज पर तमाशा करने लगता है। लेकिन माइल्स मेटर से मिलकर खुश होते हैं, क्योंकि मेटर की वजह से ही मैकविन ने रेस में हिस्सा लिया था। लेकिन तभी वहाँ मेटर का ऑयल लीक हो जाता है, जिससे मैकविन मेटर पर गुस्सा होता है कि तुम यहाँ तमाशा कर रहे हो। मेटर काफी हैरान होता है क्योंकि उसका कभी ऑयल लीक नहीं होता था। वो वॉशरूम में चेक करने जाता है, जहाँ वो देखता है कि वो वॉशरूम काफी एडवांस होता है, इसीलिए वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। तभी वहाँ वो अमेरिकन जासूस फिन से मिलने के लिए मैसेज भेजता है, तो शिफ्टवेल उससे मिलने के लिए आने लगती है। लेकिन प्रोफेसर के आदमियों को इस बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो उस अमेरिकी एजेंट पर हमला कर देते हैं। तभी मेटर भी बाहर आ जाता है, जिसे मौका देकर वो अमेरिकन एजेंट अपने ड्राइव और ट्रेकर को मेटर में लगा देता है, जिसमें प्रोफेसर के बॉस की फोटो थी। इसीलिए जब मेटर बाहर आता है तो शिफ्टवेल को लगता है कि वही अमेरिकी जासूस है, इसीलिए उसे कल रेस में मिलने को बुलाती है। मेटर काफी हैरान होता है, फिर वो अपने दोस्तों को इस बारे में बताता है कि वो एक लड़की के साथ गुटरगू करने वाला है, लेकिन किसी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। वही हमें उस अमेरिकी एजेंट को दिखाया जाता है, जिसे प्रोफेसर के गुंडों ने बंदी बना लिया था। तभी प्रोफेसर भी वहाँ आ जाता है और वो उस एजेंट के अंदर ओनिलोन डालता है, तो एजेंट प्रोफेसर को कहता है कि ये फ्यूल तो सेहत के लिए अच्छा है। तो प्रोफेसर उसे कहता है कि मुझे माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन के बाद पता चला है कि अगर ओलिनोल पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स डाला जाए तो ये बहुत ही डेंजरस हो जाता है। फिर उस खास कैमरे से उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स डालने लग जाते हैं, जिससे उस एजेंट का इंजन खराब होने लगता है। और प्रोफेसर उसे पूछता है कि तुमने वो खास जानकारी किसे दी थी, लेकिन वो एजेंट उसे कुछ नहीं बताता। लेकिन प्रोफेसर एजेंट के इशारों से ही समझ जाता है कि उसने मैटर को जानकारी पास ऑन की है, इसीलिए उस एजेंट को मार देते हैं। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि ओनिलोन की पहली रेस जापान में स्टार्ट होती है, जिसमें सभी कार में ओलिनोल डाला गया था। मेटर मैकविन का पिट क्रू होता है, जो आज उसे रेस में गाइड कर रहा था। रेस स्टार्ट होती है, जिसमें फ्रेंचेस्को सबसे आगे निकल जाता है। लेकिन जब जैसे ही मिट्टी वाला इलाका आता है, तो मैकविन सबको पीछे छोड़ता हुआ आगे निकल जाता है। वही हमें प्रोफेसर के आदमियों को दिखाया जाता है, जो वहाँ एक बिल्डिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वाले कैमरे के साथ मौजूद थे, क्योंकि उनका बॉस ओनिलोन को बदनाम करना चाहता था ताकि ओनिलोन की सेल ना हो। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैमरे से तीन रेसिंग कार के इंजन को ब्लास्ट करवा देता है। तभी उन्हें वहाँ मेटर भी नजर आ जाता है और उन्हें पता था कि उसके पास ये खुफिया जानकारी है, इसीलिए उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। फिन और सिटवेल भी ये देख लेते हैं, इसीलिए फिन उसे बचाने जाता है और सिटवेल रेडियो के थ्रू उसे कॉन्टेक्ट करती है और उसे बाहर निकलने को कहती है। मेटर को समझ नहीं आता और उसे लगता है कि उसे डेट पर बुला रही है, लेकिन इन्हीं बातों की वजह से मैकविन कंफ्यूज हो जाता है और वो फ्रेंचेस्को को आगे निकलने का मौका दे देता है, जिससे मैकविन ये रेस हार जाता है। वही वो गुंडे मेट्रो को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिन उन सभी को खत्म कर देते हैं। शिफ्टवेल मेट्रो कहती है कि हमारी डेट खतरे में है, इसीलिए हम कल मिलेंगे। फिर मेटर जब वापस पिट में जाता है तो मैकविन उस पर बहुत गुस्सा होता है। वो उसे कहता है कि रेसिंग के वक्त तुम अनाप शनाप क्यों चिल्ला रहे थे, तो मेट्रो उसे कहता है कि मैं डेट पर गया था। लेकिन मैकविन को उस पर विश्वास नहीं होता और उसे लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, इसीलिए उसे कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से आज रेस हार गया और तुम्हें यहाँ लाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेटर इससे काफी सेड होकर वहाँ से चला जाता है। वही दिखाया जाता है कि न्यूज में खबर फैल जाती है कि ओलिनोल की वजह से तीन कारें ब्लास्ट हो गई है, लेकिन माइल्स ये बात नहीं मानता और वो सभी को कहता है कि मेरा ईंधन सेफ है। वही हमें मेटर को दिखाया जाता है, जो वापस रेडिएटर स्प्रिंग लौटने के लिए एयरपोर्ट आ जाता है, क्योंकि उसे लगने लग गया था कि वो मैकविन के लिए मुसीबत है और अगर वो यहाँ रहेगा तो मैकविन रेस नहीं जीत पाएगा, इसलिए वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी फिन वहाँ आ जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है, क्योंकि प्रोफेसर के लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। फिन मेटर को बताता है कि मैं खुफिया एजेंट हूँ। तभी वहाँ प्रोफेसर के आदमी आने लगते हैं, इसीलिए फिन मेटर को बचाने की कोशिश करने लग जाते हैं। फिन उन कारों पर हमला करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर वो अपने प्लेन में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। वही हमें मैकविन और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है, जो मेटर के जाने की वजह से काफी दुखी होते हैं। लेकिन मैकविन सोचता है कि अगर वो घर चला गया तो वहाँ सेफ रहेगा। वही मेटर शिफ्टवेल से मिलकर खुश होता है। शिफ्टवेल मेटर के अंदर से वो डिवाइस निकाल लेती है, जो उस अमेरिकी एजेंट ने उसके अंदर लगाया था। लेकिन अभी भी शिफ्टवेल और फिन को लगता है कि वही अमेरिकी एजेंट है और वो टॉय ट्रक बनने का नाटक कर रहा है। फिर उस फोटो को देखते हैं, जिसमें सिर्फ एक बोनट की फोटो थी और वही प्रोफेसर का बॉस था। फिन को कुछ समझ नहीं आता कि हम इस इंजन से उसके बॉस का कैसे पता लगाएंगे। तभी मेटर उन्हें बताता है कि बहुत ही पुराना इंजन है, जिसके पार्ट्स आसानी से नहीं मिलते, लेकिन इसके पार्ट्स बदले जा रहे हैं और ये सभी ओरिजिनल पार्ट्स हैं। तो फिन उसके इस काम से खुश होते हैं। फिर
हीरो पेरिस जाने के लिए निकल जाते हैं क्योंकि फिन पेरिस में एक ब्लैक मार्केट डीलर को जानता था। फिन मेटर को भी उनकी टीम में शामिल होने को कहते हैं तो मेटर भी मान जाता है क्योंकि वो बचपन से जासूस बनना चाहता था। फिर दिखाया जाता है कि वो पेरिस पहुंचकर ब्लैक मार्केट में जाते हैं जहां वो डीलर फिन को देख लेता है, इसीलिए वहां से भागने लगता है। लेकिन शिव 12 उसे शौक देकर पकड़ लेती है लेकिन फिन उसे ऐसा करने से मना करते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये मेरा खबरी है और हमेशा भागने का नाटक करते थे ताकि किसी को पता न चले कि वो उनका खबरी है और उसका नाम टोम्बर था। फिर शिव 12 उसे उस कार की फोटो दिखाती है तो टोम्बर उन्हें बताता है कि सबसे पुरानी खटारा कार है और इसके पार्ट्स मैंने ही बेचे थे और वो मेरा बेस्ट कस्टमर है लेकिन वो हमेशा फोन पर बिजनेस करता है। तभी मेटर सभी को बताता है कि इस पुरानी कारों को कद्दू कारें कहा जाता है जो वक्त के साथ बिगड़ती रहती है। तो फिन को इससे आइडिया आता है और वो शिव 12 को ऑयल प्लेटफॉर्म की फोटो चेक करने को कहते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि वहाँ जितनी भी कारें थी वो सभी काफी पुरानी थी। जिससे टोम्बर को भी याद आता है कि दो दिन बाद इटली में सभी कद्दू कारों की एक सीक्रेट मीटिंग होने वाली है तो मेटर उन्हें कहता है कि वहीं अगली रेस भी होने वाली है। फिर वो इटली जाने के लिए निकल जाते हैं। शिव 12 इटली के कैमरों को हैक कर लेती है जिससे उसे पता चल जाता है कि टोम्बर सही कह रहा था क्योंकि बहुत सारी कद्दू कारें आज इटली आई थी। तभी शिव 12 को एक आइडिया आता है और वो देखती है कि वो मेटर को कद्दू कार के एक टॉय ट्रक में बदल सकती है ताकि मेटर उस मीटिंग में जाकर पता लगा सके कि इन सब के पीछे कौन है। वहीं दिखाया जाता है कि गुइडो और लुइजी अपने सभी दोस्तों को इटली में अपने अंकल के यहाँ ले जाते हैं क्योंकि वो यहीं पले बड़े थे। वो लुइजी और गुइडो को देखकर बहुत खुश होते हैं और वो उन सभी के आने की खुशी में जश्न मनाने लग जाते हैं लेकिन मेकविन मेटर की वजह से काफी उदास होता है। तो लुइजी के अंकल उसे समझाते हैं कि पहले जब लुइजी और गुइडो मेरे साथ काम करते थे तो वो दोनों हर बात पर झगड़ने लग जाते थे तो मैं उन्हें समझाता था कि हमें बेस्ट फ्रेंड से झगड़ा करना चाहिए लेकिन फिर हमें जल्दी दोस्त बन जाना चाहिए क्योंकि कोई भी झगड़ा फ्रेंडशिप से बड़ा नहीं होता। तो मेकविन भी उनकी बात समझ जाता है। वहीं दिखाया जाता है कि फिन मेटर पर एक डिवाइस लगा देते हैं और शिव 12 उसे बताती है कि तुम इस डिवाइस की मदद से किसी भी ट्रक का रूप ले सकते हो और ये डिवाइस तुम्हारी वॉइस से चलता है। फिर मेटर अपने रूप बदलने लग जाता है जिससे वो बहुत खुश होता है। फिर मेटर कहते हैं कि तुम्हें पार्टी में किसी के सामने नहीं आना है और बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे। तभी शिव 12 देखती है कि मेटर कुछ डेंट्स है जिससे वो सही से रूप नहीं बदल पा रहा है तो उसके डेंट्स को ठीक करने लगती है लेकिन मेटर उसे ऐसा करने से मना करता है और उसे कहता है कि मैं पिचके हुए निशान किसी से ठीक नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये मेरी और लाइटनिंग मैकविन की दोस्ती की निशानी है, इसीलिए मैं इन्हें हमेशा संभाल कर रखना चाहता हूँ। तो शिव 12 भी उसकी बात मान लेती है। फिर फिन उसे अपने लिए हथियार चुनने को कहते हैं। वही हमें इटली में दिखाया जाता है कि ओलिनोल की सेकंड रेस स्टार्ट हो जाती है लेकिन मैकविन मेटर की वजह से थोड़ा दुखी होता है। वही हमें उस बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ आज सभी कद्दू कारों की मीटिंग होने वाली थी, जहाँ शिव 12 अपने प्लान के मुताबिक इवान नाम के टॉय ट्रक के पास आती है और उसे कहती है कि मेरे दादाजी का टायर पिंचर हो गया है, इसीलिए क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो इवान उसके पीछे जाता है जिससे उसे शॉक देकर बेहोश कर देती है। फिर मेटर इवान का रूप लेकर मीटिंग में चला जाता है। मेटर में लगी हुई एआई टेक्नोलॉजी की वजह से वो वहाँ की हर एक चीजों के बारे में इन्फॉर्मेशन देख पा रहा था। फिर वो अंदर जाते हैं जहाँ बहुत सारी कद्दू कारें आई हुई थी और वो सभी अपने बॉस के आने का इंतजार कर रहे थे लेकिन उनका बॉस वहाँ नहीं आता और वो लाइव आकर उन्हें बताता है कि मेरा क्लच बॉक्स खराब हो चुका है इसीलिए मैं वहाँ नहीं आ सका। और उस वीडियो में भी उनके बॉस की शक्ल नहीं दिख रही थी इसीलिए किसी को पता नहीं चलता कि उनका बॉस कौन है। फिर बॉस सभी को कहता है कि दुनिया की सभी कारें हम पुरानी कारों का मजाक उड़ाती है, हमें कद्दू खटारा कचरा कहकर पुकारा जाता है लेकिन अब हम ये सब और नहीं सहेंगे। फिर वो एक के बाद एक रेसिंग कार के इंजन को ब्लास्ट करने लग जाते हैं। बॉस सभी को कहता है कि जमाना नए ईंधन की तलाश में है लेकिन आज के बाद सभी पेट्रोल की तरफ भागेंगे और हम दुनिया के सबसे बड़े अनखोजे तेल भंडार के मालिक होने की वजह से सबसे ताकतवर बन जाएंगे। शिव 12 को भी इस बात का पता चल जाता है कि कोई रेसिंग कार पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स डाल रहा है जिससे वो कार ब्लास्ट हो रही है, इसीलिए फिन उन्हें पकड़ने जाते हैं लेकिन प्रोफेसर के लोगों ने फिन को पकड़ने की पहले ही तैयारी कर रखी थी, इसीलिए फिन स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के साथ चिपक जाते हैं जिससे वो उन्हें पकड़ लेते हैं। वहीं वो कद्दू कारें मैकविन और फ्रांचेस्को को छोड़कर सभी कारों को ब्लास्ट कर देते हैं। मैकविन ये रेस जीत जाता है लेकिन वो ये देखकर बहुत हैरान होता है कि बाकी की सभी कारें ब्लास्ट हो गई है जिससे हर तरफ ओलिनोल की बदनामी होने लगती है और माइल्स भी फैसला कर लेते हैं कि लंदन में होने वाली आखिरी रेस में ओलिनोल इस्तेमाल नहीं होगा। सभी कद्दू कारें इससे खुश होती है। वही सी 12 फिन को बचाने की कोशिश करती है लेकिन प्रोफेसर की कारें उसे भी पकड़ लेती है। मेटर भी वहाँ से निकलने लगता है तभी वो देखता है कि मैकविन
टीवी न्यूज में सभी कहता है कि मैं अगली रेस में ओलिनोल इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि अगर मेरा दोस्त फिल्मोर कहता है कि ओलिनोल सेफ है तो वो सेफ ही होगा, और मैं पहले भी अपने एक दोस्त की बात ना मानकर उसे खो चुका हूं, इसीलिए मैं वो गलती दोबारा नहीं करना चाहता। इससे प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आता है और वो सभी से कहता है कि अगली रेस में मैकविन नहीं बचना चाहिए। इससे मैटर बहुत घबरा जाता है, जिससे उसका एआई डिवाइस टूट जाता है और वो जल्दी जल्दी रूप बदलने लगता है। इससे सभी को पता चल जाता है कि वो अमेरिकी जासूस है, लेकिन मैटर अपने एआई को कहकर गन बाहर निकाल लेता है, जिससे वो सभी पर हमला करने लगता है और पैराशूट की मदद से वहाँ से बचकर निकल जाता है। मैटर मैकविन को बताने के लिए उसके पास जाने लगता है कि ओलिनोल खतरनाक है, लेकिन कोई उसे अंदर जाने नहीं देता। और तभी प्रोफेसर के आदमी आकर मैटर को भी पकड़ कर ले जाते हैं और प्रोफेसर उसे बेहोश कर देते हैं। फिर जब मैटर की आँख खुलती है तो देखता है कि फिन और शिप 12 उसके साथ बंधे हुए हैं। फिन उसे बताते हैं कि हम लंदन के क्लॉक टावर में हैं। मैटर को बहुत गुस्सा आता है और वो फिन को कहता है कि मैं जासूस नहीं हूँ, मैं एक मामूली टॉय ट्रक हूँ और मैकविन के साथ जो भी हो रहा है वो सब मेरी वजह से है। तभी वहाँ प्रोफेसर के गुंडे आ जाते हैं और वो मैटर को कहते हैं कि रेस स्टार्ट होने वाली है और प्रोफेसर चाहते हैं कि तुम मरने से पहले मैकविन की मौत का तमाशा देखो। वही हमें दिखाया जाता है कि मैकविन के पास सेली और रेडिएटर स्प्रिंग के सभी दोस्त आ गए थे, क्योंकि मैटर घर नहीं लौटा था। सेली मैकविन को कहती है कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि सार्ज और शेरिफ उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैकविन रेस नहीं करना चाहता था। तो सेली उसे कहती है कि अगर मैटर यहाँ होता तो उसे बहुत बुरा लगता, इसीलिए तुम्हें मैटर के लिए ये रेस करनी होगी। माइल्स भी मैकविन को ओलिनोल इस्तेमाल करने के लिए थैंक्स कहता है। फिर रेस स्टार्ट होती है और प्रोफेसर के आदमी मैकविन पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स डालते हैं, लेकिन मैकविन को कुछ नहीं होता। इससे प्रोफेसर बहुत गुस्सा होता है और उन्हें कॉल पर कहता है कि हमें दूसरे प्लान पर काम करना होगा। और प्रोफेसर की कारें मैटर को बताती है कि मैकविन जब पिट पर रुकेगा तो हम उसमें बॉम्ब रख देंगे, जिससे तुम्हारा दोस्त नहीं बचेगा। मैटर को इससे बहुत गुस्सा आता है और वो गन निकाल लेता है, लेकिन उसमें गोली नहीं होती, जिससे उसका मजाक उड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं। मगर मैटर बंदूक एक्टिवेट करके रस्सी को तोड़ देता है, जिससे वो सेफली वहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर वो फिन और शिप 12 को बचाने लगता है, लेकिन फिन उसे कहते हैं कि जाओ मैकविन की मदद करो और पिट में से सभी को बाहर निकालो, हमें कुछ नहीं होगा। फिर मैटर वहाँ से मैकविन की मदद करने चला जाता है और शिप 12 मोटर के वायर चेंज करके मोटर को उल्टा घुमा देती है, जिससे वो भी आजाद हो जाते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ मैटर का एयर फिल्टर पड़ा हुआ है, जिससे वो समझ जाते हैं कि बॉम्ब मैटर के अंदर लगाया गया है, जिससे उन्होंने मैटर को भागने दिया था। इसीलिए वो मैटर को रोकने के लिए रेस की तरफ निकल जाते हैं। वही मैटर पिट में पहुंचकर अपने सभी दोस्तों को वहाँ से निकलने को कहता है और उन्हें बताता है कि यहाँ एक बॉम्ब है। तभी फिन मैटर से कॉन्टेक्ट करके उसे बताते हैं कि बॉम्ब तुम्हारे अंदर फिट किया गया है, क्योंकि उन्हें पता था कि तुम मैकविन को बचाने जाओगे। फिर मैटर जब अपना ऑयल फिल्टर चेक करता है तो उसमें बॉम्ब लगा हुआ था। तभी मैकविन भी मैटर के पास आने लगता है, लेकिन मैटर मैकविन को बचाने के लिए उससे दूर भागने लगता है। मैकविन भी उसका पीछा करता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैकविन उससे गुस्सा है, इसीलिए वो मैटर की टॉय केबल को पकड़ लेता है और मैटर रॉकेट एक्टिवेट करके वहाँ से भागने लगता है। मैटर के दूर जाने की वजह से प्रोफेसर बॉम्ब को ब्लास्ट नहीं कर पाता और शिप 12 भी वहाँ पहुँच जाती है, मगर प्रोफेसर वहाँ से भागने लगता है। तो फिन शिप 12 को कहते हैं कि मैं प्रोफेसर को पकड़ता हूँ और तुम मैटर की मदद करो। प्रोफेसर भागता हुआ अपनी बोट के पास पहुँच जाता है, लेकिन फिन उसे पकड़ लेते हैं और उसके शिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वही प्रोफेसर के आदमी मैटर को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन शिप 12 उन्हें खत्म कर देती है और वो मैटर को रोककर उसे कहती है कि हमें तुम्हारे अंदर के बॉम्ब को निकालना होगा। और मैटर मैकविन को कहता है कि तुम्हें मारने के लिए मेरे अंदर बॉम्ब लगाया गया है। तभी फिन भी प्रोफेसर को पकड़ कर ले आते हैं और प्रोफेसर के गुंडे उन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन मैटर और उसके दोस्त मिलकर उन सभी को वहाँ से भगा देते हैं। फिन प्रोफेसर को बॉम्ब बंद करने को कहते हैं, लेकिन प्रोफेसर उन्हें कहता है कि मैं इसे बंद नहीं कर सकता, क्योंकि ये आवाज से चलता है और जब वो डीएक्टिवेट बोलता है तो बॉम्ब में टाइमर स्टार्ट हो जाता है। और प्रोफेसर सभी को बताता है कि इस बॉम्ब को वही डीएक्टिवेट कर सकता है जिसने इसे बनाया है। ये देखकर गुइडो बॉम्ब को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे खास तरह के बोल्ट से फिट किया गया था, जैसे उस कद्दू कार के बॉस की फिटिंग थी। इससे मैटर समझ जाता है कि इन सब के पीछे ओनिलोन का मालिक माइल्स है और वो मैकविन को लेकर माइल्स के पास पहुंचता है, जहां ब्रिटिश महारानी भी मौजूद होती है। लेकिन वो सभी मैटर पर बॉम्ब लगा देख डर जाते हैं। फिन और बाकी सब भी वहां आ जाते हैं और मैटर सभी को बताता है कि इन सब के पीछे माइल्स है, लेकिन माइल्स उसकी बात नहीं मानता। तो मैटर उसे कहता है कि पार्टी में भी ऑयल तुम्हारा ही लीक हुआ था और तुम इलेक्ट्रिक कार में चेंज नहीं हुए हो। फिर वो सभी
सभी को बताता है कि माइस ने ये सब इसलिए किया ताकि ऑर्गेनिक फ्यूल को बदनाम कर सके, जिससे इनकी पेट्रोल की बिक्री बढ़ जाए, क्योंकि इसे हाल ही में ऑयल का बहुत बड़ा भंडार मिला है और अब बॉम्ब को ब्लास्ट होने में कुछ ही सेकंड बचे हुए थे। इसीलिए माइल्स उस बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर देता है, जिससे अब सभी को विश्वास हो जाता है कि इन सबके पीछे माइल्स था और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। मेटर माइल्स का बोनट खोलता है और उसमें वही फोटो वाला इंजन था। सभी इससे बहुत खुश होते हैं और ब्रिटिश की महारानी मेटर को सर्टो मेटर का खिताब देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेटर रेडिएटर स्प्रिंग में सभी को अपनी स्टोरी बताता है, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। मगर तभी वहाँ फिन और सिप्टवेल आ जाते हैं, क्योंकि लुईजी ने उन्हें मेल भेजा था। सिप्टवेल सभी को कहती है कि मैं मेटर की गर्लफ्रेंड हूँ। सभी इससे बहुत हैरान होते हैं, लेकिन अभी भी मेकिन को एक बात समझ नहीं आती कि उस पर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से हमला किया गया था तो उसे कुछ क्यों नहीं हुआ। तो फिल्मोर उसे बताता है कि सार्ज ने तुम्हारा फ्यूल बदल दिया था। फिर दिखाया जाता है कि रेडिएटर स्प्रिंग में रेस होती है, जहाँ सभी रेसर आए थे। सभी इससे खुश होते हैं और अब फिन और शिटवेल के जाने का वक्त हो गया था। फिन मेटर को भी अपने साथ चलने को कहते हैं, लेकिन मेटर उन्हें कहता है कि ये मेरा घर है, इसीलिए मैं यहीं रहूंगा। तो शिटवेल उसे कहती है कि मैं तुमसे मिलने आऊंगी, क्योंकि हमारी गुटरगु अभी बाकी है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और मेटर भी अपने रॉकेट की मदद से रेस करने लगता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।